रिहा ही रहेगा निर्भया के नाबालिग दोषी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज। डीसीडब्ल्यू ने रिहाई रोकने की दी थी अर्जी, लेकिन बहस में रिहाई का नहीं किया विरोध। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं के खिलाफ जेटली ने किया मानहानि का केस। कहा, मुझ पर झूठे और अपमानजनक बयान दिए। संजय सिंह ने कहा, जेटली के खिलाफ कराएंगे एफआईआर। जेटली पर डीडीसीए घोटाले का आरोप लगाने वाले कीर्ति आजाद से बीजेपी नाराज। वेंकैया ने कहा, पार्टी लेगी संज्ञान। जेटली को बीजेपी का कलमाड़ी बताने पर भड़के नकवी। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने किया पत्थरों का शिला पूजन। कहा, मंदिर निर्माण का आ गया है वक्त, रोक के लिए हाथी मंसारी की अपील। मुंबई में डांस बार पर छापे, 34 बार गर्ल्स समेत 100 से ज्यादा लोग हिरासत में। छापेमारी में करीब 30 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद। गोरेगांव में समाज सेवा शाखा ने की थी कार्रवाई। आईएसआईएस का एजेंट सिराजुद्दीन की कोर्ट में पेशी। सिराजुद्दीन की आज खत्म हो रही है 10 दिनों की रिमांड। बुधवार को खुलेंगे आरसीए के ताले। खेल परिषद अध्यक्ष जेसी मोहंती ले रहे हैं कानून की राय। शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रख रहे हैं आरसीए के पदाधिकारी। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आया ताला खुलने का मौका। जी राजस्थान न्यूज का बड़ा खुलासा, झुंझुनू में 10वीं क्लास के गणित का पेपर लीक। जिला समान परीक्षा समिति ने भी माना पेपर लीक। मामले को लेकर समिति की आपात बैठक। जयपुर के शाहपुरा में कैंटर और ट्रक में टक्कर, कैंटर के क्लीनर की झुलसने से मौत, ड्राइवर की हालत गंभीर। अलीगढ़ से मुंबई जा रहा था कैंटर। और एक्टर वरुण धवन का बयान, कहा, फिल्म रिलीज से पहले हो जाता हूं नर्वस। वरुण ने कहा कि ईमानदारी से करता हूं काम, कंपटीशन में नहीं रखता विश्वास।